है, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 का फर्स्ट बूट एंड अनबॉक्सिंग। तो A7 अगर आप अंडर 25,000 रुपीज़ देख रहे हैं तो मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे मोबाइल्स हैं तो कंफ्यूज कर देता है कई बार। इस वीडियो देखने के बाद हम रिव्यू भी करेंगे, इन मोबाइल का कंपैरिजंस करेंगे एंड आपको फाइनली मैं डिसाइड करके बताऊंगा कि अंडर 25,000 रुपीज़ कौन सा मोबाइल सेंस करेगा, आपका वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A7 देखिए, अभी ऑलरेडी वीवो V11 प्रो बहुत ही फेमस हो रहा है, उसके साथ ओप्पो F9 प्रो भी चल रहा है अभी, एंड उसको कॉम्पीट करने के लिए सैमसंग का नया A7। अब इन्होंने यूनिक क्या किया है, इन्होंने लगाया है 3 कैमरा इस मोबाइल पर। जी हाँ, देर आर 3 कैमरास। एक तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेगा, यानी कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ से अगर क्लिक कर रहा हूँ तो प्रीटी मच 120 डिग्री एंगल पर जितने सारे सब्जेक्ट रहते हैं तो उनका सब कवर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, वेरी सेंसिबल, अगर आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे इसको तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स मिलने चाहिए। अल्ट्रा वाइड एंगल एट 13 mm वाइड। तो उसके साथ प्राइमरी कैमरा तो है ही 24 MP का एट F1.7 अपर्चर। देखिए F1.7 यानी लो लाइट कंडीशंस हो या फिर इंडोर सिचुएशंस हो जहां पर आप कैप्चर करेंगे तो बहुत ही ब्राइटर इमेजेस आपको मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ मैं कैमरा सेटिंग्स डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, अलॉन्ग विथ 3 कैमरा सेटअप, यहाँ पर इन्होंने और एक सेंसिबल वे क्या किया है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, यूजुअली हम बैक साइड रहता है मोबाइल का, अदरवाइज़ वीवो V11 प्रो में आप सामने इसको पाएंगे ऑन द डिस्प्ले, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि पावर बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मूव किया है। तो नॉर्मली हम पावर बटन जस्ट अनलॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ फिंगरप्रिंट। तो बहुत ही जल्दी आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं इन ए कन्वीनियंट वे। तो ये एक अच्छा लगा मुझे सैमसंग गैलेक्सी A7 का। एंड अदर थिंग्स मैं बताऊँ तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, जैसे कि इसका CPU एंड चिपसेट जो है वो वही पुराना सेम लगाया गया है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता चला होगा, तभी मैंने बताया था कि सारे मोबाइल्स कॉर्टेक्स A53 यूज़ करने लगे हैं। आई थिंक ये कॉर्टेक्स A53 वाला CPU अभी शायद 2 to 3 years से है, तो प्रीटी मच वही CPU। अगर आप 10,000 rupees, 15,000 rupees का मोबाइल लेंगे तो भी वही CPU मिलेगा, एंड आप 25,000 rupees ले रहे तो भी यही CPU है। तो ये एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़। अदर देन दैट, सैमसंग का जो भी फीचर्स अच्छे रहते हैं वो सारे इसमें मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो में फर्स्ट बूट एंड सेटअप, अगर आपने ये ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको फर्स्ट बूट पहली बार कैसे सेटअप करना है आपके मोबाइल, तो ये वाले हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 का फर्स्ट बूट एंड सेटअप। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A7, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्ट आप अगर फर्स्ट पहली बार पावर ऑन करेंगे इसको तो जैसे कि मैंने दिखाया पावर ऑन के साथ वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है, विच इज़ रियली कन्वीनियंट। एंड जस्ट पावर ऑन करेंगे तो पहला सेटअप यही होगा। तो यहाँ से स्टार्ट पर टैप करना है, एंड नीचे दिए गए इंग्लिश को निकाल के अगर जो भी आपका रिलेटेड रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी भी आप चॉइस कर सकते हैं वहाँ से। तो उसके बाद नेक्स्ट सेटअप है कनेक्ट टू वाईफाई। अभी आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है तो बिल्कुल अभी से कनेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको सिम कार्ड इंसर्ट करना है। लेफ़्ट साइड में जो सिम इजेक्शन टूल दिया रहता है बॉक्स में, तो उसके हेल्प से आप बिल्कुल सिम कार्ड डाल दीजिए अभी। एंड उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है, तो यहाँ पर अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी इनके रिलेटेड जो भी अग्रीमेंट्स रहता है उस पर टैप करना है। यहाँ पर दो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक डेटा एज वेल एज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली सैमसंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो ईमेल भेजते रहते हैं, अगर वो चाहिए तो टिक करें या फिर ऑब्वियसली आप डिसेबल कर सकते हैं। वैसे ही डायग्नोस्टिक डेटा, ये दोनों बाद में भी आप एनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्किप करके नेक्स्ट पर टैप करेंगे। यहाँ पर अपना डिवाइस जो है उसको आप नाम दे दीजिएगा, तो ABCD नहीं देना, आप अपना नाम जो रहता है वो वाला देना है। उसके बाद सेटअप फेस रिकॉग्निशन। जी हाँ, अभी हम इसको फेस रिकॉग्निशन सेटअप करेंगे। आप बिल्कुल फिंगरप्रिंट स्कैनर सेटअप कर सकते हैं, पिन पैटर्न पासवर्ड ये सारे चीज़ बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी सेटअप फेस रिकॉग्निशन। तो इसके लिए एक पहले हम जस्ट एडिशनल फीचर जैसे रहता है तो इसको एक पैटर्न, पिन और पासवर्ड देना पड़ता है, तो हम सिंपल सा एक पैटर्न देंगे। आप बिल्कुल अपना जो भी अपने पसंद का पैटर्न है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि बेसिकली अगर आप पावर ऑन करेंगे तभी आपको पैटर्न पूछेगा, वो पैटर्न अगर लगाएंगे तो ही मोबाइल ऑन होगा। तो एडिशनल फीचर सेफ्टी के लिए, कोई भी ऐसे पावर ऑफ ऑन करके ऐसे जब बिल्कुल मोबाइल को ऑन नहीं कर सकता है विदाउट एंटरिंग द पैटर्न, तो ये एक एडिशनल सेफ्टी है। तो इसके बाद जस्ट पैटर्न बनाइए, उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पर होगा फेस रिकॉग्निशन, तो बिल्कुल आप उसके सामने ऐसे पकड़ के बैठना है जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स नहीं रहना है। तो बिल्कुल अपना फेस
क्योंकि आपका फेस ही तो रिकग्नाइज होना है वहाँ पर। तो फास्टर रिकग्निशन को भी अनेबल कर दीजिए तो झट से अनलॉक होगा डिवाइस। तो ये एक बढ़िया फीचर दोनों है आपको ऑप्शन, एंड उसके बाद है नेक्स्ट पर टैप करना है। तो नेक्स्ट पर टैप करने से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलेटेड सेटिंग्स, देखिए जो भी लॉक स्क्रीन पर अपीयर होता है ऐप्स के रिलेटेड नोटिफिकेशंस, उसको एनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है यहाँ से डिसाइड होगा। एंड बिल्कुल आप अगर यहाँ से स्टेप स्किप करते हैं तो भी आप बाद में भी बिल्कुल सेटिंग्स में जाकर ये वाला चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सेटअप कर देंगे तो आपको ईजी होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑन एंड ऑफ दिया है। अगर आप नोटिफिकेशन का कंटेंट हाइड करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर तो बिल्कुल हाइड कंटेंट पर एनेबल करना है, एंड सिर्फ आप नोटिफिकेशन का आइकॉन देखना चाहते हैं ना कि उसका फुल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल आप उसको डिसेबल कर दीजिए या फिर एनेबल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रेफरेंस रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी प्रोटेक्ट योर फ़ोन का सक्सेसफुली हो गया है, नेक्स्ट पर टैप करना है बिल्कुल। तो यहाँ पर गूगल सर्विसेज आते हैं, तो गूगल सर्विसेज रिलेटेड ऐप्स, फाइंड लोकेशन, इंप्रूव लोकेशन एक्यूरेसी, इन सारे चीज़ों को डिसेबल कर दीजिएगा, क्योंकि एनेबल करेंगे तो कुछ ना कुछ बैटरी लेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करता रहता है। तो इसके लिए आप बाद में भी इसको एनेबल कर सकते हैं अगर चाहिए तो। तो फिलहाल हम अभी इसको डिसेबल करेंगे। एंड यहाँ पर फिर से सैमसंग का अकाउंट, तो अगर आपका अकाउंट है सैमसंग का तो साइन इन करना है, अदरवाइज क्रिएट अकाउंट। देखिए इसको इंटरनेट रहना आवश्यक है क्योंकि इंटरनेट थ्रू ही साइन इन होता है, तो पहले ही अगर आप इंटरनेट कनेक्ट किए हैं तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जस्ट स्किप करके हैं, स्किप पर टैप करके यहाँ पर फिनिश पर टैप करना है। तो ये रहा ऑल डन, योर फ़ोन इज़ रेडी टू यूज़। होम स्क्रीन ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी A7 विथ ट्रिपल कैमरा ऑन दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसा भी फ़ोन हो उसका अबाउट फ़ोन देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्शन चल रहा है वो दिखाई देगा, जो कि 8.0 थोड़ा पुराना है, बट ठीक है, शायद वो क्वार्टर 1 2019 में अपडेट्स देंगे इसके लिए एंड्रॉयड पाई का। तो सैमसंग एक्सपीरियंस वर्शन जैसे कि मैंने कहा 9.0 है लेटेस्ट वर्शन, एंड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 सितंबर 2018 पर अपडेट किया है, विच इज़ रियली नाइस। तो ये रहा अबाउट फ़ोन, एंड इसके बाद हम थोड़ा कैमरा इंटरफेस देख लेते हैं इसका कैसा है। जो ट्रिपल कैमरा सेटअप, इसमें दो कैमरा, एक है वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल और एक जो है नॉर्मल रहेगा फोकल लेंथ। तो लोकेशन टैग के लिए पूछता है, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से कैमरा यूज़र इंटरफेस ऑटो मोड है, जो आपको छोटा सा आइकॉन ट्री का दिखाई दे रहा है वो टैप करेंगे तो अल्ट्रा वाइड एंगल पर जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल एंगल। एंड यहाँ से अगर आप स्वाइप करते जाएंगे तो इनका सीन ऑप्टिमाइज़र है, बेसिकली रिकॉग्नाइज करेगा कि सब्जेक्ट क्या है एंड उसके ऊपर डिपेंड करता है इमेज। तो बहुत ही अच्छा इमेजेस आपको मिलने चाहिए। बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी अदर फोन्स में है वही है वो सीन ऑप्टिमाइज़र। वैसे ही अगर स्वाइप करते जाएंगे राइट साइड तो यहाँ से आपको प्रो मोड मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट थिंग है, आपको शटर स्पीड हो या फिर अलग सेटिंग्स चेंज करने को नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने दिया है मीटरिंग मेथड विच इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड, एंड उसके साथ आप एक्सपोजर तो चेंज कर ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है कैमरा यूज़र इंटरफेस ऑफ दी सैमसंग गैलेक्सी A7। हम ढेर सारे कैमरा सेटिंग्स वीडियोस बनाऊंगा, टेस्ट करेंगे इसको अच्छी तरह से, कंपेयर करेंगे अलग कॉम्पिटिटर से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।